महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के खादी ग्राम उद्योग संघ में गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से सोहनलाल की रिपोर्ट। मिर्जापुर में सतपाल जी यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, सतपाल जी के देखरेख में मैंने यहाँ पूरे जो खादी ग्राम उद्योग है यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर कारीगर जो मैंने देखे हैं वो ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने पहले इस आश्रम में, मैं पहली बार आया हूँ, और यहाँ पर जितना अच्छे तरीके से कपड़ा बनाया जाए, इतना बारीक कपड़ा भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो एक यहाँ जो कारीगर है, मुझे ये बताया गया है कि उनको नेशनल अवार्ड मिले हैं इस कारीगरी के लिए। ऐसे कारीगर मिर्जापुर के यहाँ पर जो खादी ग्राम उद्योग है सतपाल जी, और बहुत अच्छा है। मैं तो सराहना करता हूँ इस खादी ग्राम उद्योग की, कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे उद्योग और भी इनकी ब्रांचेज जहाँ भी हैं इनको प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा ज़्यादा इसको कस्बों तक भी इसको पहुँचाएँ, और वहाँ पर ऐसे कारीगर इनको बल्कि एक ट्रेनिंग कैंप लगा के, और ऐसे नए कारीगर भी तैयार करने चाहिए। कि मैंने आज देख के मैं दंग रह गया कि ऐसे इतने अच्छे कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने बारीक जो सूत कताई करके उसकी, और एक कपड़ा इतना बारीक कपड़ा। मैं तो हमेशा ये समझता रहा पहले कि खादी का जो कपड़ा हमेशा मोटा होता है, लेकिन यहाँ देखा गया कि खादी कपड़ा बारीक से बारीक कपड़ा भी खादी से तैयार होता है, और वो अपने हाथ से ही तैयार कर रहे हैं। ये इसके लिए सतपाल जी और इनके जो संस्था है खादी ग्राम उद्योग मिर्जापुर, ये एक बधाई के पात्र है। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक आह्वान किया कि हम आत्मनिर्भर भारत बने और हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं को अपना उपयोग करें, अपने वहीं पर सैर कर ले जाएँ। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आज और वो कार्य हमने अपना हम अपना खादी बना रहे हैं और दूर दूर तक फैला रहे हैं। साथ ही मैं अपने जिला अध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आज हमारी संस्था में पधारे हैं। साथ में मैम शकुंतला देवी जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी साथी जो आज हमारे यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से। सबसे पहले तो मैं आज जो जिन दो महापुरुषों का जन्मदिन था, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी, उनकी शुभकामनाएं दूंगी। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैसेज वो हमारे पास छोड़ कर गए हैं, गांधी जी स्वदेशी को प्रेफर करते थे, स्वदेशी अपनाएं, खादी अपनाएं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि सबके घर में खादी का वस्त्र जरूर हो। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हम सभी किसान और जवान के बारे में सोचें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से अपील करती हूँ कि जो 2014 तक सरकार, राज्य सरकार जो ग्रांट देती थी वो पुनः बहाल होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि 10 के बजाय 20% ग्रांट होनी चाहिए, क्योंकि इन 6 महीनों में लॉकडाउन के समय सभी संस्थाओं को जितने नुकसान पहुंचे हैं, खादी भंडार को उससे ज़्यादा पहुंचा। क्योंकि गरीब मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, और मजदूर के लिए और काम करना, बुनकर के लिए कोई और काम करना संभव नहीं होता। और ये संस्था इतनी बड़ी है, मेरा अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। खादी अपनाइए, भारत को आत्मनिर्भर बनाइए।